पंच कुंडीय रुद्र महायज्ञ एवं संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा तथा भव्य मेले का आयोजन जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के गौरव ग्राम अवरिद के गढ़ में पांच कुंडीय रुद्र महायज्ञ एवं संगीतमय भागवत कथा और भव्य मेले का आयोजन 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक रखा गया, जो लगातार 4 सालों से होता आ रहा है। कथावाचक दयाराम महाराज जी वृंदावन वाले हैं, जिसमें क्षेत्र के साधु संत नेता अधिकारी और जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के नागरिक कर्ण भारी संख्या में यज्ञ और भागवत कथा सुनने और मेला देखने पहुंच रहे हैं। नवभारत समाचार छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा से देवराम धीवर की रिपोर्ट। है ना लड़का उनके के देखभाल बढ़िया, गांव में बढ़िया शांति आते बढ़िया से सब चीज से, है ना भाई। मेला झूला उलवा हर साल आते, मेला बढ़िया मस्त रहते। ठीक मिश्रा, मैं सिवनी नैला का रहने वाला हूँ। पढ़ाई वाराणसी में मैं करके आया हूँ, उसके पश्चात यहाँ छत्तीसगढ़ में मैं लगातार हर वर्ष 2 से 3 यज्ञ क्षेत्र की सुख शांति के कामनाओं लिख के कारण मैं यज्ञ करवाते चला आ रहा हूँ। और यह अमृत के गढ़ पे पावनगढ़ में यह 4वां वर्ष है रुद्र महायज्ञ एवं संगीत में श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें हमारे कथाकार भागवताचार्य सुदामा कुटी से पहुँचे श्री दयाराम दास जी महाराज एवं हमारे यज्ञशाला के ब्राह्मण हरिद्वार और बनारस वृंदावन से आए हुए हैं। यह यज्ञ और भागवत 7 दिवसीय होती है। 7 दिवस तक सवेरे 7 बजे से 1 बजे तक यहाँ यज्ञशाला में हवन पूजन चलता है। तत्पश्चात भागवत कथा 2:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक प्रारंभ होता है। इसी कड़ी में शाम को भी यज्ञ हवन यहाँ 4:30 बजे से 6 बजे तक प्रतिदिन चलता है। हमारे क्षेत्र के वासियों के लिए मनोरंजन के लिए यहाँ मेला का भी प्रबंध किया गया है। इसमें विभिन्न क्षेत्र के लोग यहाँ श्रद्धालुगण अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ आते हैं, यज्ञशाला का परिक्रमा करते हैं और यज्ञशाला का परिक्रमा कर अपने श्रद्धा भक्ति अनुसार यहाँ पूजन अर्चन करते हैं। जो भी मनोकामना इस गढ़ में लेकर के आते हैं सभी की मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं।